हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हाँ, तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं क्या लाने, रमजान के राशन। रमजान शरीफ का राशन भरने के लिए। हाँ, थोड़ा लेट हो गया इस बार, लेकिन जाने दो, क्या करें। लेट हो गया बोले तो अपने पास था भी ना। हाँ, घर में कुछ कुछ चीजें थी और हाँ, नहीं रहता तो बात अलग थी ना। हाँ, लेकिन अपने पास था ना सब कुछ। हाँ, अभी भी है लेकिन चले जा रहे हैं। हाँ, लेकर आते थोड़ा जो भी हम लोग को समझ में आए। कुछ कुछ चीजें खत्म हो गई है पूरी तरह से, जैसे तेल चावल ये वो, तो फिर अभी जा रहे हैं लेने के लिए। तो मिलते हैं आपको वहाँ पर जाने के बाद। तो चलिए अभी निकल रही हूँ मैं, बुरखा पहन के रेडी होती हूँ। बच्चे लोग को नहीं ले जा रहे, बहुत परेशान हो जाते वो इसके लिए। अभी हमारा दोनों जन जाके लेके आएंगे फटाफट से राशन। तो चलो मिलते हैं आपको वहाँ पे मॉल में। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने बुरखा पहन ली। तो ना कुछ लेके जाना था, थैली वैली लेके जाने का है। वहाँ पे मिलते हैं लेकिन छोटे छोटे मिलते हैं ना, इस वजह से यहाँ से लेके जा रही हूँ गोनी। तो सोनू मुझे गोनी दे बेटा जल्दी से, चलो बहुत लेट हो गया। कितने बज रहे मालूम है, 8 बज रहे 8। चलो निकलती हूँ मैं फटाफट, ऐसे एक दो गोनी लेके जाएंगे ना तो इसमें आ जाती सारी चीजें। चलो हम लोग पहुँच गए हैं मेट्रो होलसेल। ये हमारे यहाँ बोरीवली का बहुत बड़ा मॉल है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर एक चीज बहुत अच्छे से मिलती है। टाइट क्या लेने, टाइट टाइट नहीं, एरियल। हाँ, एरियल। अच्छा, अपन लो ले लो, कितने लो देखो तुम्हारे हिसाब से। हिसाब से बोलो तो 6 ले लूँ, 6 किलो हो जाता है। चलेंगे ना यही तरफ। चलेगा। तो गाइस यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिए है हमारा टाइड टाइड पाउडर। हाँ लेते नहीं। हाँ लिए थे, ले लो। कितनी लो? कभी कभार लगती है, 6 ले लो, है ना। कितने लिए? चलो तो गाइज हम लोग आ गए यहाँ पे। तो हमारे आयत और वारिस का ब्रश खराब हो गए, तो हमको ब्रश लेना है और सबके लिए भी लेना है ना। सबके लिए क्या करना है? नहीं तो है। बात में लेंगे, आयत वारिस को लेंगे ब्रश। यहाँ पे ले रही है कोलगेट। ये ठीक है ना? कभी कभार ना यहाँ के जो वो रहते ना वर्कर, तो वो बहुत ज्यादा नौटंकी करते, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करते। चलो यहाँ पे चल रही है हमारी शॉपिंग गाइस। एक बस हुआ ना। आ, ले लो। क्या ब्रश इधर था ना? ब्रश लेना है। छोटे ब्रश नहीं मिलते, ले लो वो मत लो, एक सिंगल। हाँ बड़े ही ले लो थोड़े से ना, वो बहुत छोटे आए थे पिछले बारी पे। ले लो दो, लो ये आयत और वारिस के लिए दो ले लो। हाँ अपने लिए तो है। चलो ले ले विनायक, ले लो। हाँ ले लो, एक ऐसी चाहिए ना, एक ऐसी है लेकिन ले लो अभी, क्या करते। अरे नारियल ले लो, ये ले लो, छोटी ले लो, छोटी बस में। हाँ यहाँ से पाउडर बच्चे लोग के लिए, वो लो बड़ा वाला। कौन सा? वो एकदम बड़ा हेक के लिंग बाहर इस पेट डालता। हाँ ले लो, चलेगा। हैंड वॉश की बॉटल भी तो नहीं है, ये मत ले। हाँ डेटॉल नहीं लेना, डेटॉल ले सकती हूँ, डाइप को मत। नहीं ये लेना डेटॉल, ये लेने का। हाँ कोई भी लेने का, ये ले लो डेटॉल ही है, ले लो एक बस हो जाएगा। हाँ हाँ तो गाइस आधी शॉपिंग हो गई हमारी, आधी चल रही है साबुन लेने का नहाने की, है ना। सिंथॉल लेने का। सिंथॉल अच्छी है ना साबुन, बाल भी तो झड़ते हैं। पता नहीं बाबा, हमने तो कभी यूज नहीं किए। गोदरेज नंबर 1 भी है, संतूर भी है। ले लो भाई, सिंथॉल ले रहे।
लेमन के कलर जलता है उससे, काला होता कलर। तुम्हारे लिए लेना है तो ले लो, फिर संतूर ले लो। बेस्ट एंड बेस्ट साबुन। हाँ बस एक है ना, एक है घर में, है ना। संतूर साबुन की आदत हो गई ना तो कोई भी जमती नहीं है हमारे, मतलब हम लोगों के हिसाब से सही है। चलो गाइस, हम यहाँ पे आए हैं बकेट्स वगैरह के कंपार्टमेंट में, तो हमारा मग्गा खराब हो गया, सोच रही हूँ यहाँ से ले लूँ। कौन सा लूँ, ये लूँ, मस्त लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये ना, ये सबसे बेस्ट है, ये लेंगे, रुको ना, ये इतना बड़ा नहीं रहता, नहीं ये ले लो, तो ये ले, इतना छोटा, अरे इतना ही रहता जब ले। यहाँ की कोई चीज लेने की नहीं है, वाइपर वगैरह। हाँ जी, वाइपर वाइपर लेने का है क्या? नहीं हल्के है जी, है ना, टूटने वाले है मेरे को ऐसा लग रहा। देखो यहाँ पे हमारी शॉपिंग चल रही है, हमको ना वो फ्लोरिंग मैट जो होता है ना वो नहीं मिल रहा है। देखो पूरा खाली है आज, बोले आ चोको कस्टर्ड लेने का है आजी, ले लो। पहले ये तो यूज करते थे पहले, मधुर जो है 49 है क्या, वो खुली लेने की? नहीं नहीं खुली मत लो, ये ले लो पांच अपना अपना। अब इतनी शॉपिंग हुई गाइस हमारी, आज बस हो गए शुरकुरमे के लिए और काम आएगी अभी थोड़ी शुरकुरमे का भी लेते क्या? बस ले लो और एक एक ले लेना। लगता है ऊपर के लेने की पिलपिल है। मैदा ले लो एक, एक मैदा लो, हेमा माजी को ले लो, हेमा जी और क्या लेंगे? एक बेसन लो, बेसन का बेसन होगा ना, रवा देखो तुम्हारे सब लेना है, मीठा कुछ खाते नहीं, वेस्ट हो जाता है ये सब। बेसन लेना तो लो, नहीं तो नहीं यहाँ होगा। चॉकलेट है इधर, नहीं अपने अपनी सोसाइटी अच्छी है। कौन सा भी लो तुम्हारे हिसाब से, चार पैकेट मतलब चार पैकेट, दो किलो मेरे एक किलो हो गए, एक किलो हो गए तो और एक एक किलो लो ना, दो किलो, हाँ दो किलो बस हो गए, चार पांच पैकेट और एक एक लो। चाय तो तूने वैसे भी बंद कर ली है, ठीक है चलेगा, नहीं नहीं चलेगा, पांच पैकेट और है तू बोल तो ले ले भी। मतलब ये डेढ़ किलो, सवा किलो, अच्छा पाव किलो का पैकेट है, पाव किलो 250 ग्राम। तो गाइस हम लोग यहाँ पे ना हमेशा आके व्लॉग बनाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बोर्ड है ना अलाव नहीं है, हाँ मतलब वहाँ स्टार्टिंग में बोला, हाँ हाँ। और अभी हम लोग ले रहे थे गाइस चाय पत्ती, चाय पत्ती के मैंने यहाँ चार पैकेट ले चुका हूँ, मैं बोल रही थी और एक एक लेते तो हो जाता था। हाँ अब ये ऑलरेडी बोलती कि मैंने चाय छोड़ दी, मतलब कम कर दी, और चाय पत्ती बढ़ाने का, तो चाय पत्ती ज्यादा दिखेगी इसको तो चाय उतनी ज्यादा बनती रहेगी। हाँ ये बात सही बोले, चलो क्या बाकी है अभी लेने का? क्या राइस है, तेल है, हाँ दाल वाली, दाल वगैरह है। चलो गाइस अभी हम आ गए यहाँ पे राइस के सेक्शन में, कितने सारे गोनी है देखो यहाँ। चलो देखते हैं हमारी वाली गोनी कौन सी है, हाँ बराबर जय श्री राम। हाँ
ये कौन ही ले रहे गाइस हम लोग। तो गाइस हो गई हमारी राइस की गोनी लेके, अब चल रहा है हमारा ना ऑयल लेना है हमको। मच्छी देखो ना इधर, ये धोए के जी मॉल तब फ्रेश लग रहा है। गर्दी नहीं होने की, बेस्ट है ना, सबसे अच्छा। चलिए हमारा हो गया ऑयल भी लेके, अभी बहुत दिन से हम लोग धारा यूज कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीजें है, घी लेने का है अपने को गोवर्धन, तुम्हारे चक्कर में ना रह जाता वो, तो मैं बाहर से लेता, बाहर से लेता। क्या बोल रही हाँ, क्या बोल रही मैं, घी लेने का अपने को यहाँ से ही लेने का, तुम बोलते बाहर से फिर लेते नहीं। फिर मेरे को ये क्या चीज है जी, ऐसा कैसा डब्बा है, गुलाब गोल्ड बस हो गया, और क्या लेना, घी लेने का। हाँ ले लो, बस हो जाएगा ना 1 किलो। चलो हाँ दाल है ही नहीं गाइस यहाँ पे, चने लेने का, चटपटे वगैरह बनाने ले लो 1 किलो है ना, ये लो रगड़ा वगड़ा बनाने वो जान दे। चने कितने मस्त है, बोले चने कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ मस्त है, हो गए रहे हाँ 1 किलो हो गए रहे। हाँ तो यहाँ से कुछ सूखे मसाले ले रही हूँ मैं, बिरयानी मसाला ये वो। तो यहाँ है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर किधर है पता नहीं, यहाँ पे है हल्दी पाउडर। क्या बोले 120 रुपए किलो है, आधा किलो है तो फिर तो ले नहीं है, ले 5 किलो लगने वाले अपने को है ना, ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल भी पॉलिश है, पॉलिश है कितने ऐसे इसके अंदर दिख रहे तेरे को। 1 किलो बस, हाँ बस हो गया इसमें। अभी हम लोग आ गए गरम मसाला लेने यहाँ पे, क्या बोले 100 ग्राम का पैकेट छोटा ही ले लो, ना घर में है जीरा बस ना, ये राई लगती है, देखो राई छोटी वाली अच्छी लगती, टेस्टी एकदम। ये छोटी वाली चाहिए ना बेटा, अरे बड़ी है भाई, ये छोटी वाली वो भी बड़ी है, अच्छा बारीक जो रही थी ना वो, इससे भी बारीक आती है। और क्या चाहिए तेरे को, ये है बारीक, ये बारीक और ये है मोटी, ये क्या दिख रहा, मस्टर्ड सीड इसको बोलते हैं, मस्टर्ड सीड 200 ग्राम किलो, 100 ग्राम किलो छोटी ले लो, बड़ी मत लो, ये बहुत हो जाती। तेज पत्ता और तेज पत्ता ले, और अभी यहाँ पे और लेना है आपको अक्खी दालचीनी है अपने पास मतलब है? तो अभी क्या क्या यहाँ पे क्या ली, मेयोनीज और केचप ली अभी, और गाइस यहाँ पे देखो ना सॉस लेने का है मुझे, क्योंकि पिछले साल के जो लिए थे ना हमने उसकी ना डेट खत्म हो चुकी है, तो अभी नए वाले तो मतलब वो यूज में ही नहीं आया, तेरे वो यूज में नहीं आया, छोटे छोटे सैशे देख रही हूँ है ही नहीं यहाँ पे, सब बड़े हैं, ठीक है ना जाने देना बाद में देखते, छोटे छोटे लेने तो छोटे छोटे है ही नहीं यहाँ पे, सब बड़े बड़े ही आइटम है, ये बड़ा ही है, सब बड़ी बड़ी बॉटल है जो कि यूज में नहीं आते ज्यादा, इसके लिए थोड़ा मैं छोटा पैकेट देख रही हूँ, मिल रहा है नहीं है, ठीक है चल पापड़ लू क्या, पापड़ गंदे पापड़ मत ले बोला, नहीं ना ऑयल वो ये बोल रही थी तू, क्या चीज
चीज लेना है, चलो उधर। हाँ वो साइड चलना, उधर को सब लेना है ना आइटम। हाँ तो गाइस अभी हम जा रहे हैं चीज लेने के लिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बच्चे लोग के लिए लेने को, कुछ वेफर वगैरह। हाँ नहीं इससे तो बीमारियाँ हो रही, हमने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया अभी बच्चों को भी। मस्त है इधर ना सब नगेट्स वगैरह मिलते। ये सब है तो फ्राइज है, ये ना वो है फ्रेंच फ्राई। हाँ सब फ्रेंच फ्राई है देखो ना, अलग अलग टाइप। हाँ लेने का कुछ नगेट्स लेने का है रेडीमेड इफ्तार के लिए। किधर है ये? यहाँ पे क्या रहता है? ये चिकन नगेट्स वगैरह कुछ है क्या यहाँ पे? क्या निकले ये? ये तो सब, ये तो सब उधर साइड पे होगा। ये है सब फ्राई करने के चिकन नगेट्स, अमूल क्या पता नहीं क्या है, सब जगह है सब रेडीमेड नगेट्स वगैरह है। ये चिकन, हाँ ये मालूम पड़ता तेरे को सब? हाँ खाली फ्राई कर रहे सब। कितने देना अच्छे लगते हैं? हाँ कभी लेने और ये ले क्या वन टाइम यूज है सब। हाँ कल नहीं गाइस कितने का ये वाला ले, फटाफट फ्राई कर लिए है ना। हाँ। और एक एक ले लो ये चिकन, मेरे को तो इससे अच्छा ये ही लग रहा है। इससे अच्छा तो इसको रख देना, ये लेना रोल वाला। है ना क्या अच्छा? यही ले लो ये अभी से ले। गाइस ये हमने लिए है हाँ चिकन फिंगर और ये यम्मी, ये है ब्लू फ्लेम। बस हो जाएगा ना, चलो एक बार ट्राई करेंगे फिर आएंगे बीच में भी लेने के लिए ना रमजान। हाँ बहुत हो गया है ना, सॉस ली सब ली मैंने। चलो उधर चीज लेने, चीज लेना है, बटर लेना है। तो ये डिपार्टमेंट में पूरा चीज मेयोनीज वगैरह सब है। कहाँ पर है चीज? हाँ इधर है, ले ले चीज में बटर लेना है यहाँ से। चीज उधर कहाँ है बटर? कहाँ है बटर दिख रहा है? तो पूछना ये क्या है? ले इधर जो तेरे को लेने का वो ठीक है। चीज यहाँ है ना अमूल वाला। हाँ ये बटर है अमूल यार, बस ना एक दो लेंगे ना पराठा बनाने के लिए। चल ये ले ले एक पैकेट। चल एक पैकेट सब हो गया तेरा, एक नंबर काम हो गया। चल ले ले चीज सॉस। नहीं रे काय के ले छु कुछ चीज लगा कर नहीं नहीं रहते रमजान में लग फटाफट ले लिए और लगा। चल हां दाल रख उसमें। पूरी गाड़ी हमारी भर चुकी है गाइस, क्या लोड हो गया ट्रक हमारा, अब हम निकल रहे। और क्या लेने का? अभी पार्किंग को भी जगह नहीं। हाँ अबे आइसक्रीम है ये तो रोज का काम है। चलो लेने का गाइस सारी चीज़ें तो हो गई लेके, लेकिन ना अभी कुछ कुछ चीज़ें बाकी है, जैसा कि गेहूं और मसूर दाल नहीं मिली हमको, यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे इधर के एरिए की
जो शॉप है वहाँ से लेने वाले। अभी जा रही हूँ मैं, फ्रेश क्रीम लेना है मुझे, अमूल अमूल क्रीम लेने का है। चलो चलिए गाइज, हमारा हो गया राशन की शॉपिंग हो गई और अब जा रहे हैं हम घर पे। अभी बिलिंग कराने के लिए आए हैं यहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल भी डॉलाव नहीं है, फिर भी मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको। तो हो गए देखो हमारे इतना राशन, जो मेन मेन चीज़ें थी ना अपने को लगने वाली वो ले लिए, समझे। गाइज आई हूँ मैं यहाँ पे बर्तन के लिए साबुन लेने, लेकिन मैं लेके जा रही हूँ कपड़े के ही, क्योंकि ये ही अच्छी पड़ती है, दूसरी वाली बहुत जल्दी पिघल जाती है इसके लिए। तो यहाँ पे मैं 6 साबुन ले रही हूँ, और भूल गए थे हम लोग, पहले 6 लेके गए बस, जो कि कभी कभार काम आती है। चलो बिलिंग करा रहे, मैं जो जो भूल जा रही ना तो वो लेके जा रही हूँ यहाँ से। चलो गाइस मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अभी बिलिंग करा रहे, जैसे हो जाएगा निकलेंगे। खड़े राशन लेके आए, 5 किलो मसूर की दाल इधर से लिए और 10 किलो गेहूँ, और उसके पैसे पहले ही दिए, मतलब मेरे पास जगह नहीं है ना। गाइस आ गए हम लोग राशन लेके, और अब मैं ना क्या कर रही हूँ पता है आपको, मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन थोड़े टाइम बाद, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी चाय पीना है, रोज़ा खुल के गए थे ना तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चाय की तलब लगी है। फटाफट से लेती हूँ, आपको दिखाऊंगी बाद में सुकून से एकदम आराम आराम से, है ना, क्या क्या लेके आए। तो चलिए गाइस अभी मैं दिखा दूँ आपको मैंने क्या क्या लेके आई हूँ राशन में, और फिर उसके बाद में मुझे उसको भर के भी रखना है ना। चलो तो गाइस हमने ना लेके आए हैं इफ्तार के लिए ये नगेट्स वगैरह। तो गाइस ये है ना फ्रिज वाले आइटम है सब, तो ये घी लेके आए इस बार मैं, को ये क्या बोलते मैं बाहर से लेके आऊँगा, इसकी वजह से ना मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैंने ना जिद करके ली। ये है वेज मेयोनीज, हाँ, और ये सारे फ्रिज वाले आइटम है। अमूल बटर के 2 पैक लिए थे हमने, अमूल बटर भी लिए। कैसा मालूम रमज़ान में ना पराठे के साथ खाने के लिए लगते ना, पराठा पराठा मस्त लगता है अमूल बटर का। और ये मेयोनीज़ बताई, घी, और ये अमूल बटर। यहाँ पे देखो हमने ना सारे चिकन नगेट्स वगैरह ये सब ना रेडीमेड चीज़ें लेके आए, जो कि इफ्तार में कभी लेट फास्ट भी हुआ ना तो फटाफट से इसको फ्राई करके हम यूज़ कर सकते। तो ये देखो इसके ना 2 पैकेट लिए थी मैंने, ये वाला भी चिकन का, हाँ, इसको फटाक से ना फ्रिज में रखने का है अभी, इसलिए मैं पहले सबसे पहले ये बता रही हूँ। ये है चिकन नगेट्स, तो ये देख लो इसके 2 पैक लिए हैं, ये एक एक किलो के हैं, एक एक किलो के, और इसको हमने ये 2 पैक लिए है ना। और उसके बाद में मोंजरेला चीज़ के भी हमने 2 पैक लिए, जो कि पिज़्ज़ा में वगैरह में लगता है ना वो वाला, रेडीमेड इसमें ऑलरेडी खिसा हुआ है, इसको रखेंगे हम फ्रिज में। तो मैं आपको बता रही हूँ एक एक करके इसको रखना भी है जल्दी जल्दी से। ये वाला जो चिकन है ना इसके हमने 2 पैकेट लिए थे, इसमें मसाला वसाला सब एकदम रेडीमेड होता है, 1 टाइम इसको फ्राई करके मतलब हम यूज़ कर सकते फटाफट। ये है चीज़ स्लाइसेस ये, और ये है ऐसा तो देखो अमूल चीज़ सॉस ग्रीन चटनी वाला। तो फटाफट मतलब हम कुछ भी चीज़ मतलब जैसे रमज़ान में फटाक से इसको ले सकते और खा सकते, समझे। और ये है चिकन फिंगर्स, और ये है ये क्या है, चिकन गार्लिक फिंगर्स, मतलब ये दोनों अलग अलग है। ये देखो अब इनको रखती हूँ पहले सबसे पहले फ्रिज में, क्योंकि ना ये बहुत खूब कैसा पानी छूट गया इसको, इसके लिए फटाक से रखना पड़ेगा। तो ये सारे जो है ना शक्कर पत्ती ये वो सारी चीज़ें हैं जो लगने वाली है। मसूर दाल यहाँ से लिए, ये चने की दाल है भजिया वजिया बनाने, ये है चना, और ये है साबुदाना। उसके बाद में ना ये बच्चे लोग के लिए मैंने लेके आई थी ये चॉकलेट वगैरह, ये ले लो सब, तुम चारों के लिए 4 लेके आए, ले लो समझे। और ये सेंग, 5 किलो मसूर दाल और 5 किलो शक्कर, हमको एकदम परफेक्ट हो जाती है, एक महीने 1.5 महीना जाता है, मतलब 2 महीने 1.5 महीना
5 किलो पत्ती है, ये है तो 1.5 किलो है चाय पत्ती। बिस्किट नहीं लेने का था लेकिन लिए, जाने दोबारे शायद के लिए। देखो हल्दी नमक जो भी जरूरत की चीजें है सारी चीजें ले लिए। हाँ ये इसको ना अभी डब्बे में भर के रखती हूँ। नमक शक्कर पत्ती दाल बिल ये सब है, मसाले गरम मसाले पाउडर और ये मैदा जो भी चीजें हमको लगने वाली थी सब, हल्दी पाउडर पाव भाजी मसाला सब लिए, ये सॉस जीरा जीरा था ना और ये राई जीरा बहुत सारी चीजें लिए, और ये पाव भाजी मसाला भी लिए। ये इसको रख साइड में है ना। तो गाइस देखो अभी मैं ना डब्बे में भर भर के रख रही हूँ, क्यों तो ना फिर जगह बहुत, देखो कितना पूरा इधर फैल गया है सामान इसकी वजह से। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ सारी। ये है वॉशरूम की चीज़ें जो भी हमको नहाने की, ऑयल ब्रश कपड़े की साबुन सरफ ये सब चीज़ें अलग से गोनी में रखी थी मैंने। तो इस बार ना हमने बर्तन के लिए रिन साबुन इसलिए क्योंकि ना वो जो ले रहे थे ना हम विम बार, वो एक तो महंगी मिल रही थी और उसके बाद में ज़्यादा रुक ये भी नहीं हो रही थी। अभी जैसा कि देखो ये साबुन अभी देखेंगे कितने दिन चलती है, फिर इस हिसाब से डिसाइड करते जाएंगे कैसे क्या लेना है क्या नहीं। ये चावल की गोने लिए थे और गेहूं मैं बोली ना 10 किलो लेके आए बस, क्योंकि जगह नहीं होती घर के अंदर और ये सारी चीज़ें अब रखती हूँ उठा। तो गाइस देखो मैंने सब यहाँ पे फ्रिज के अंदर सारी चीज़ें रख दी और माशाल्लाह से मेरा फ्रिज एकदम अच्छा छोटा है लेकिन सारी चीज़ें इसमें बैठ गई। ये देख लो सब नगेट्स वगैरह सब फ्रीज़र में रखना पड़ता ना, यहाँ पे चीज़ ये वो सब माशाल्लाह अच्छा लग रहा है अभी फ्रिज। तो गाइस हो गए हमारा राशन लाके हो गया, तो वो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे जाएंगे लेकिन हो रहा भी नहीं था, रोज़े रखना फिर सब घर का काम ये वो इसमें हुआ ही नहीं जाना और पूरी तरह से अभी कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी
तो इसलिए भी हमने सोचे कि सब खत्म हो जाएगा तो सब लेकर आएंगे, क्योंकि देखो घर में रखने के लिए भी जगह नहीं रहती ना, इसलिए। तो अभी प्रॉपर पूरी तरह से फिर भी ख़त्म नहीं हुआ था जो मसाले के डब्बे वब्बे थे, वो सब अभी भी है उसमें। तो मैं सोची चलो अभी लेके ही आते। तो आज का ब्लॉग बस इतना, गाइस कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, छोटा सा कमेंट भी कर लेना। मिलते हैं आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।